वेलकम टू न्यूजन लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों आज है 12 अगस्त 2019 और 12 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस 7-8 मिनट की करंट अफेयर्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक रूल याद रखना, आप इस करंट अफेयर्स की ट्रेन पर चढ़ तो गए हैं लेकिन अब आपको बीच में कहीं उतरना नहीं है, आपको इस ट्रेन को रुकने का इंतजार करना है। तो दोस्तों आपको इस जर्नी में बहुत ही मजा आने वाला है और आपको इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं है तो एक गुड न्यूज है, बस हमें ये देखना है कि गुड न्यूज है किसके लिए। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 15 GB डाटा प्रति माह मुफ्त देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने 15 GB 15 GB डाटा पर मंथ फ्री में देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। यस दोस्तों, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 15 GB डाटा प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को देने की घोषणा की है। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले गर्ल्स के लिए मेट्रो ट्रेन फ्री कर दी है, पर यार एक क्वेश्चन है कि लड़कों के लिए क्यों नहीं की। दोस्तों इसका आंसर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। एनीवे दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली में फ्री डाटा के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली में अब 11,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं कुछ फैक्ट दिल्ली के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। दोस्तों दिल्ली के CM का नाम है, मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होता क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल वेजाल। क्या नाम है? अनिल वेजाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है। तो दोस्तों इनका नाम याद रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं, किसे हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एलेंगबॉम वेलेंटिना देवी। यस दोस्तों, 9 साल की एलेंगबॉम वेलेंटिना देवी को मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दरअसल दोस्तों हुआ ऐसा था कि एलेंगबॉम वेलेंटिना देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए पेड़ काटे जाने पर रो रही थी। इसके बाद मणिपुर गवर्नमेंट ने पेड़ों के प्रति इस बच्ची के प्यार को सम्मानित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो दोस्तों ये तो बात होगी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, अब कुछ बात मणिपुर के बारे में भी कर लें। तो दोस्तों ये है इंडिया के मैप में मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम CM का नाम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम गवर्नर का नाम है पद्मनाभ आचार्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि ये योजना है क्या। अरे अगर नहीं आया तो भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस योजना के अंदर कहा गया है कि जो लोग आवारा गायों की देखभाल करेंगे उन्हें प्रतिदिन प्रति गाय 30 रुपये मिलेंगे, यानी एक गाय के लिए 30 रुपये मिलेंगे। दोस्तों एक आदमी अगर एक महीने एक गाय की भी देखभाल करता है तो उसे एक महीने में 900 रुपये मिलेंगे। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों ये रहा यूपी इंडिया के मैप में, और यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम CM का नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अगला चरण 2020 से लेकर किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 2025 तक। यस दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अगला चरण 2020 से लेकर 2025 तक पूरा किया जाएगा। दोस्तों अब आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर योजना है क्या। अगर नहीं आया तब भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस योजना को 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 15 जुलाई 2015 को। तो दोस्तों इस डेट को जरूर याद रखना, ये पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों इस योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के तौर पर इसको लॉन्च किया था, यानी कि यूथ में युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। दोस्तों इस स्कीम को 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, इसलिए 15 जुलाई को नेशनल स्किल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों इस डे को भी याद रखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बायो फ्यूल डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 10 अगस्त। यस दोस्तों, 10 अगस्त को
विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब आप पूछोगे कि इसको मनाते क्यों, तो दोस्तों बायोफ्यूल के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए इस डे को मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। दोस्तों वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2019 की थीम है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाल ही में डिस्कवर इंडिया योजना शुरू की है? कौन सी योजना? डिस्कवर इंडिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी एयर इंडिया। यस दोस्तों एयर इंडिया ने डिस्कवर इंडिया योजना शुरू की है। दोस्तों अब फिर से वही क्वेश्चन कि ये स्कीम क्या है, ये योजना क्या है? तो दोस्तों एयर इंडिया ने 31 मार्च 2020 तक भारतीय प्रवासी और विदेशी पर्यटकों के लिए देश के भीतर धार्मिक रुचि के विभिन्न स्थानों पर उड़ान भरने के लिए यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में। तो दोस्तों एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 में। किस नाम से हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी टाटा एयरलाइन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को। दोस्तों और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्विनी लोहानी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 453 यानी 453। यस दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 453 भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा पापुआ न्यू गिनी में 840 भाषाएँ बोली जाती हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने। तो जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और दोस्तों इसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों इस डेट को जरूर याद रखना। आप इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में सर्च कर लो आपको इस क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम महानिदेशक हैं एंटोनी गुटेरस। कौन है? एंटोनी गुटेरस। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत ए खालसा म्यूजियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? विरासत ए खालसा म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। ये दोस्तों पंजाब में विरासत ए खालसा म्यूजियम स्थित है। दोस्तों अगर एग्जामिनर को यही क्वेश्चन थोड़ा कठिन करना हो तो आपसे यह पूछेगा कि विरासत ए खालसा म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों हमने इसकी बात इसलिए की क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इसलिए इस एग्जाम परस्पेक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो ये रहा पंजाब इंडिया के मैप में और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम CM मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह। क्या नाम है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इस जर्नी में इतना ही। आई होप कि आपको इस जर्नी में मज़ा आया होगा और आपने इस जर्नी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों इसी नोट पे इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करो। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि यह करंट अफेयर्स की ट्रेंड जब भी चलने को रेडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।